29 लाहौर, कौमी असेंबली मियां मोहम्मद अजहर कामयाब हुए और इंडिपेंडेंट से इनका ताल्लुक है। मियां मोहम्मद अजहर कामयाब हुए हैं और N129 लाहौर से इनका ताल्लुक है और इन्होंने वोट 1,37,018 वोट हासिल किए हैं और N129 लाहौर का ये हल्का है। इंडिपेंडेंट से इनका ताल्लुक है मियां मोहम्मद अजहर, इन्होंने कामयाबी हासिल की है और इलेक्शन 2024 जैसा कि पहले भी बताया है कि काफ़ी ज़्यादा सनसनीखेज मुकाबला चला हुआ है, कांटेदार मुकाबला है। मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से काफ़ी कशमाकश भी देखने को आई और एफर्ट भी की गई, लेकिन इस टाइम जो इंडिपेंडेंट है काफ़ी ज़्यादा लीड कर रही है और कौमी असम्बली के N129 लाहौर से मियां मोहम्मद अजहर ने कामयाबी हासिल की है। 1,37,018 वोटों के साथ वो लीड कर रहे हैं और इंडिपेंडेंट से इनका ताल्लुक है गैर हतमी और गैर सरकारी, ये नतीजा है जो आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं मियां मोहम्मद अजहर कामयाब हुए हैं और इनके जो वोट हैं 1,37,018 हैं। आपको बता रहे कौमी असम्बली N129 लाहौर से गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मोहम्मद अजहर कामयाब हुए हैं और वोट इनका 1,37,018 हैं। इंडिपेंडेंट हैं और गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे से आपको अपडेट किया जा रहा है। इलेक्शन 2024 सनसनीखेज मराहिल में दाखिल है, कांटेदार मुकाबला और नतीजे आने का सिलसिला जारी है। कैपिटल टीवी आपको लम्हा बलम्हा नतीजे से अपडेट भी कर रहा है और ये गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा है। उसके मुताबिक N129 लाहौर से मियां मोहम्मद अजहर कामयाब हुए हैं, उनके वोट 1,37,018 हैं। आपको बता रहे हैं, आपको अपडेट करें, गैर हतमी नतायज के मुताबिक इंडिपेंडेंट के उम्मीदवार हैं मियां मोहम्मद अजहर हैं, N129 लाहौर से हैं, उन्होंने वोट हैं 1,37,018 वोट हासिल किए हैं और कामयाबी हासिल की है और इलेक्शन 2024 सनसनीखेज मराहिल में दाखिल है और नतायज का सिलसिला जारी है और आपको लम्हा बलम्हा रिजल्ट से अपडेट किया जा रहा है। आम इंतखाबात गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज आने का सिलसिला जारी, आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं और PTI के हमायती याफ्ता 133 आज़ाद उम्मीदवार आगे हैं।